एक कहना जो शायद बड़े बड़े मीडिया चैनलों को नहीं पता था, वो ये कह दिए थे और भविष्यवाणी किए थे कि विश्व का नंबर वन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इनसे और जीत के वो हमेशा के लिए चले गए T20 वर्ल्ड कप विदाई के लिए। इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सिर्फ अपने दम पे मैच जिताए हुए हैं। टर्निंग पॉइंट जब हार्दिक पांड्या आए हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तमाम देशवासियों को बधाई, हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए। और मैं चाहूँगा कि रामधारी सिंह दिनकर के कविता से शुरुआत किया जाए कि वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रनेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ये जो पंक्ति हैं हमारे इंडियन क्रिकेटरों पर, कहीं ना कहीं उनके लिए ही ये लग रहा है कि पंक्ति बनाया गया है। और हमारे साथ पीयूष बाबा हैं, जिनसे हम वादा लिए थे कि अगर इंडिया टीम जीतती है या हारती है आप जरूर आकर हमसे बातचीत करिए। और इनका एक कहना जो शायद बड़े बड़े मीडिया चैनलों को नहीं पता था, वो ये कह दिए थे और भविष्यवाणी किए थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास लेंगे, और वो ले भी लिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपको पता था। सबसे पहले पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत गए जी। इसमें हम लोग को लगा था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था तब भी लगा था, स्टार्ट होने से पहले भी, कि रोहित और विराट का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। और हमको लगता था कि जीत जाएंगे तो विराट कोहली यहीं से संन्यास ले लेंगे, रोहित शर्मा भी संन्यास ले लेंगे, क्योंकि इससे अच्छा मंच और क्या हो सकता है। एक जीत के साथ बधाई, हम लोग सभी थोड़ा सा इमोशनल भी हुए, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर 2007 से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, 12 से विराट कोहली खेल रहे हैं, बहुत थोड़ा इमोशनल, इतना दिन से T20 क्रिकेट खेलते आए हैं। वर्ल्ड कप में विराट तो 2-3 बार लीडिंग रन स्कोरर भी रहे हुए हैं, सिर्फ अपने दम पे मैच जिताए हुए हैं। और कल भी जो इतने दिनों से लोग बोल रहे थे विराट फ्लॉप चल रहे हैं, रोहित शर्मा ने बोला था कि उनको हम फाइनल के लिए बचा के रखे हैं। राहुल द्रविड़ ने बोला कि कुछ फाइनल में कुछ बड़ा होने वाला है विराट के बल्ले से, और कल उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उन्हें किंग कहा जाता है, क्यों इतने बड़े बल्लेबाज हैं। सचिन लोग कहते हैं कि भले वो चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े रहते हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं। हम चाहेंगे सोनू जी से भी जानना चाहेंगे कि टर्निंग पॉइंट क्या था। सोनू जी बताएं, फिर पीयूष बाबा के पास हम आते हैं, टर्निंग पॉइंट बताइए। मैच का टर्निंग पॉइंट वहीं से था, फर्स्ट में शुरू में तो इंडिया के पक्ष में मैच रहा फर्स्ट इनिंग में, नो डाउट उसमें। सेकेंड इनिंग में एक तरफा बाद में मैच कब होने, 2 विकेट गिरा, उस टाइम भी भारत का पक्ष में मैच था, क्योंकि 4 रन पे फर्स्ट विकेट गिर गया था उनका। एडन माक्रम भी आए, उनका भी 4 रन पे विकेट। 10 ओवर तक वो लोग अच्छे थे, कब 15-16 ओवर में किनका बॉलिंग आया कि आपको टर्निंग पॉइंट लगा? टर्निंग पॉइंट जब हार्दिक पांड्या आए, उससे पहले हेनरी क्लासेन अच्छा बैटिंग कर रहे थे उनका, और वो डेविड मिलर और हेनरी क्लासेन, उनका अच्छा बैटिंग चल रहा था। बाद में ये हार्दिक पांड्या आए बॉलिंग के लिए 17वीं ओवर लेकर, वहाँ पर हेनरी क्लासेन का विकेट मिला हार्दिक पांड्या को। वहाँ जब विकेट मिला तो लगभग 50% मान लीजिए मैच भारत का पक्ष में आया, नहीं तो साउथ अफ्रीका एक तरफा मैच जीत रही थी। बैटिंग क्या, किनका बैटिंग आपको लगता है कि इंडिया में अगर वो ना होते तो इंडिया शायद ये वर्ल्ड कप खो देती? सबसे पहले तो एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, सेमीफाइनल में रोहित शर्मा भी चले, सूर्य कुमार यादव भी चले, और फाइनल में विराट कोहली ने जो इनिंग खेली, और विराट कोहली अगर 20 ओवर खेलते हैं तो उनके इर्द गिर्द सभी बैट्समैन रन बना लेंगे, चाहे अक्षर पटेल हो या 8 नंबर के भी कोई बल्लेबाज हो, उनके इर्द गिर्द रन बनाए, क्योंकि एक छोर संभाले रखते हैं। आपने देखा होगा कैसे मजे हुए खिलाड़ी के तौर पे खेल रहे थे, कैसे किस तरह से खेल रहे थे, कोई मौका नहीं दे रहे थे। उन्होंने बाद में एक्सीलेट किया, और जब 20 ओवर तक खेल जाते हैं तो उनसे बड़ा कोई फिनिशर होता नहीं है, आपको पता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, और उनके बैटिंग के बदौलत, और अक्षर पटेल, बाकी सभी बैट्समैन अच्छे खेले, अब जो आउट हो गया उनको क्या कहना। विराट और रोहित को जाना इस सुखद पल में कैसा लगता है आपको, उनको जाना चाहिए रहना चाहिए? देखिए, बात है T20 वर्ल्ड कप का, कल तो बहुत अच्छी तरह से इंडिया बैटिंग की, बॉलिंग की, और हम सभी भारतीयों को या खेल प्रेमियों को जीत दिलाया जी। जाना तो कल जीत के तो जाना तो अच्छा ही है, जीत के जा रहे हैं, और जीत के वो लोग हमेशा के लिए चले गए T20 वर्ल्ड कप, संन्यास ले लिए T20 से। हमारे देखने से तो वो लोग अच्छा किए, लेकिन युवाओं को भी मौका वो लोग दिए कि अब इसके बाद जिम्मेवारी हमारी ख़त्म हुई, आप लोग अब इसकी जिम्मेवारी को उठाइए। हमारे देखने से वो अच्छा किए।
युवाओं को मौका जरूर मिलना चाहिए। हम भी चाहेंगे, विराट और रोहित की सोच को सलाम है, हम चाहेंगे जैसे विराट और रोहित युवा के भरोसे, युवाओं के कंधे पे अब ये T20 का जो जिम्मेदारियां हैं वो देकर चल गए हैं। किनका फ्यूचर अब देखते हैं कि आने वाले समय में विराट और रोहित का मतलब बराबरी कर सके, वैसा तो कोई है नहीं, लेकिन उनके जैसा कौन है आपको, किसका फ्यूचर दिखता है? देखिए इंडिया में भी विराट और रोहित के जाने के बाद, हालांकि ये तो बहुत बड़े प्लेयर थे, इनका तो जगह कोई नहीं भर सकता है, लेकिन इनके जाने के बाद सुमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, अभिषेक शर्मा है, और सबसे बड़ा विश्व का नंबर वन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, इनसे बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं है अभी की डेट में विश्व में। जो प्रेशर में हम कितने देखें, जो इनिंग खेलते हैं प्रेशर में, जो बॉल फेंकते हैं, इन लोगों के भरोसे है तो आगे ये लोग अच्छे कंटिन्यू करेंगे। हार्दिक पांड्या को इन्होंने बताया कि विश्व का सबसे अच्छा ऑलराउंडर वो होने वाला है। क्या लगता है आपको कि हार्दिक पांड्या विश्व के सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं या कोई और भी लगता है? नहीं, मेरे नज़र में भी हार्दिक पांड्या ही विश्व के अच्छे ऑलराउंडर। आपके हिसाब से हार्दिक? बिल्कुल बिल्कुल। विराट का जगह कौन ले सकता है? विराट का जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन मेरी नज़र में सुमन गिल शायद उनकी बराबरी कर सकें। आपके नज़र में सुमन गिल मतलब बराबरी कर सकते हैं। उन लोगों का जाना, सेम सवाल आपसे भी पूछूंगा, उन लोगों का इस समय पे T20 से संन्यास लेना, दो चार वर्ड में बताइए कि T20 से संन्यास लेना क्या ठीक किए या अभी रहना चाहिए था? वैसे तो अभी रहना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को संन्यास लेने के लिए एक बढ़िया समय था। अच्छा, विदाई के लिए इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सबका कहना है कि विराट और रोहित का विदाई के लिए इससे सुंदर समय कोई नहीं हो सकता, इससे सुंदर मुहूर्त कोई नहीं हो सकता है। तो हमारा छोटा सा प्रयास, और पीयूष बाबा से हम बोले भी थे पहले कि हम जीत के बाद जरूर आपसे मिलेंगे। और भी खेल पे मतलब जब भी कोई खेल आता है तो कैसा हम लोग वीडियो बनाना चाहिए, क्या हम में कमियां रह गई हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।